So, assalamu alaikum friends, this is Umaysa Bhatia here and welcome back to another brand new video. So, getting into this video, मैं वो कहना चाहूँगा Happy New Year. Basically, ये video New Year से पहले बनाई थी मैंने, अभी upload कर रहा हूँ. लेकिन the thing that I just wanna say is Happy New Year to all of you guys. और आप खुश रहें, अगले साल भी खुश रहें, अच्छे काम करें, जो goals हैं आपके वो पूरे करें and yeah. बेसिकली कल मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, मैंने क्या देखा, बेसिकली मैंने देखा कि एक बंदा एचटीसी का फ़ोन यूज़ कर रहा था. एंड मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई एचटीसी के साथ एक्चुअली हुआ क्या. मार्केट से एकदम से एचटीसी गायब हो गया. आपको मार्केट में आज में के डेट में कोई एचटीसी का फ़ोन नज़र नहीं आएगा, ना वो नए फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं ना, और पुराने भी बहुत ही कम ऐसे फ़ोन होंगे एचटीसी के आपको मार्केट से मिलेंगे. ऐसा क्या हुआ भाई एचटीसी के साथ? लाइक मैं एक सीरीज स्टार्ट करने लगा जिसमें मैं आप लोगों को बताया करूँगा कि जो कंपनीज लाइक फेल हो गई उनकी फेलियर के रीज़न क्या था, जो कंपनीज आपको आज के डेट में नज़र ही नहीं आती उनका फेलियर का एक्चुअली रीज़न क्या है. तो एक चीज़ मैं वीडियो को स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि दुनिया का पहला एंड्रॉयड फ़ोन एचटीसी के ड्रीम फ़ोन वो एचटीसी ने सबसे पहले लॉन्च किया था, और सबसे पहला फ़ोन ही एंड्रॉयड का एचटीसी ने बनाया था. लेकिन आप आज के दौर में एचटीसी को जानते भी नहीं, शायद काफ़ी ऐसे लोगों जिनको पता भी ना हो, शायद एचटीसी का नाम ही पहली दफ़ा सुना. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ वो ये है कि अगर आप टाइम के साथ अपडेट नहीं करते अपने आप को या टाइम के साथ अपग्रेड नहीं होते तो आप टाइम में बहुत पीछे रह जाते हो, फिर आपको लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है. तो क्या रीज़न थी एचटीसी के फेलियर की, मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो होने वाली है, अगर एंड तक लाजमी देखना इस वीडियो को. एंड भाई अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, साथ बेल आइकन दबा दो. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस. पहला पॉइंट है फोकस ऑन फ्लैगशिप्स ओनली. जब एचटीसी लाइक 2012-13 में लाइक उन्होंने सबसे पहला फोन अपना लाइक जो एंड्रॉइड फोन था 2008 में लॉन्च किया था, 2011-12-13 के अंदर सैमसंग की एस सीरीज से कंपीट करी थी एचटीसी की 1 सीरीज. उस वक्त सैमसंग एस सीरीज S1 S2 निकाल रहा था और एचटीसी भी अपने 1 सीरीज निकाल रहा था. काफ़ी टाइम तक एचटीसी ने जब अपने फोन निकाले तो वो क्या करते थे कि वो सिर्फ फ्लैगशिप सीरीज को ही अपनी प्रेफर करते थे और मिड रेंज में कोई फोन नहीं निकाल रहे थे. ऐसा हुआ कि बाकी कंपनीज मार्केट में जंप इन की, जैसे लाइक मतलब कि बहुत सारी कंपनीज ने मार्केट में जंप इन किया और तो उनको एचटीसी को पीछे छोड़ दिया. बेसिकली इस वक्त एचटीसी का जो मार्केट शेयर है मार्केट के अंदर वो सिर्फ 1% है, 1% से भी कम मार्केट शेयर रह गया है एचटीसी का, और उनका जो एक शेयर है वो $1 या उससे कम में ही बिकता है. तो बेसिकली एचटीसी लाइक सिर्फ फ्लैगशिप पर ही फोकस कर रहा था और उनको ये लग रहा था कैसे फ्लैगशिप फोन्स बना कर ही हम आगे मार्केट में निकल जाएंगे. लेकिन बाकी कंपनीज मिड रेंज में निकाल रही थी, बजट फोन्स में निकाल रही थी, बट एचटीसी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था. तो ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है उनकी फेलियर का. सेकंड, राइज ऑफ चाइनीज कंपनीज. कंपनीज ने मार्केट को बहुत एक्वायर करना शुरू कर दिया, जैसे कि शाओमी, वन प्लस, वीवो, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी कंपनीज हैं ये सब मार्केट को बहुत ज़्यादा हद तक एक्वायर कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप भी, मिड रेंज भी, बजट भी, सब फोन्स निकाल रही थी. बट एचटीसी उस टाइम भी सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप पे ही फोकस कर रहा था. इस वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला एचटीसी को, और उन्हें अब शायद रियलाइज़ हो गया अगर वो मिड रेंज फोन्स बनाते तो शायद उनकी मार्केट ऊपर जा सकती थी. इसके बाद जो बहुत एक वैलिड सा पॉइंट है ना वो ये कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत वीक थी एचटीसी की. एचटीसी को लगता था कि हम मार्केटिंग में इतना पैसा नहीं लगाएंगे, बाकी चीज़ों में लगाते हैं, मार्केटिंग को थोड़ा कम ही रखते हैं मार्केटिंग का बजट. उन्होंने मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं किया, बाकी कंपनीज मार्केटिंग के थ्रू ही अपने आप को बहुत आगे ले गई जबकि एचटीसी ने मार्केटिंग में फोकस ही नहीं किया. एक टाइम तो जब एचटीसी ने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन चलाकर रॉबर्ट जूनियर को जो है वो हायर किया था, जो बेसिकली आयरन मैन के एक्टर है, उन्हें हायर किया था अपने ऐड के लिए, बट फिर भी भाई उनका उस ऐड से भी कुछ नहीं हो सका. वो ऐड भी एक फेलियर ही साबित हुआ क्योंकि उनकी सेल्स में कोई इतना ड्रास्टिक इंप्रूव आया नहीं. इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, इस वक्त जो गूगल है वो काफ़ी सारा पार्ट एक्वायर कर चुका है एचटीसी का, और वो पार्ट एक्वायर कर चुका है जो उनको ज़रूरत है अपने फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, वो सब चीज़ें वो एक्वायर कर चुका है. इसके बाद एचटीसी जो है वो वीआर मार्केट में भी आया है. एचटीसी की वीआर मार्केट अच्छी है बट एचटीसी की जो फ़ोन मार्केट है वो ख़त्म हो चुकी है बेसिकली, मतलब बहुत कम रह चुकी है क्योंकि एचटीसी भी इंडिया से, पाकिस्तान से, इन कंट्री से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. कोई स्पेसिफिक कंट्री थे जहाँ पे एचटीसी अपने फ़ोन लॉन्च कर रहा है लेकिन वो भी बहुत कम, मतलब बहुत ही ना होने के बराबर अपने फ़ोन लॉन्च कर रहा है. अब आपको क्या लगता है भाई, क्या कहते हो आपके एचटीसी क्या मार्केट में दोबारा से कमबैक करेगा? मुझे लगता है मुझे थोड़ा बहुत चांस है शायद, क्योंकि अभी भी डेड तो हुई नहीं है एचटीसी, थोड़ी बहुत ही तो और खोली चुकी है. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब एचटीसी जो है वो फ्लैगशिप फोन निकाल रहा था और उनकी सेल्स इतनी इंप्रूव नहीं हो रही थी, सेल्स नीचे ही जा रही थी,
तो उनका मार्केट शेयर मार्केट में बहुत कम हो रहा था, तो उनकी फ़ोन्स की जो क्वालिटी थी वो भी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, वो लॉस में जा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक और रीज़न है कि उनकी जो क्वालिटी है फ़ोन्स की वो भी कम होना शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि HTC के फ़ोन्स बुरे थे, आज भी HTC के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज उनको लेट होगी। आज आपको पता है सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वीवो, वन प्लस, ये सब मार्केट को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऊपर लेके जा चुके हैं। इन्होंने स्ट्रैटेजीज अच्छी चुनी ना, लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन कंपनीज की बहुत अच्छी है। फ्लैगशिप में भी फोन, फ्लैगशिप फोन भी लॉन्च करते हैं, मिड रेंज फोन भी लॉन्च करते हैं, बजट में हर सेगमेंट में इनके फोन अवेलेबल हैं, एप्पल को छोड़ के हर सेगमेंट में इनके फोन अवेलेबल हैं, हर बंदा खरीद सकता है। तो ये कुछ गलतियाँ थी HTC की जो मुझे लगा कि लाइक बहुत ख़राब थी, और इनको लाइक इनकी वजह से HTC आज मार्केट में इतना किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। आप मुझे बताओ कि कमेंट में बताओ कि मुझे कौन सी ऐसी कॉल कंपनी है इसके बारे में आपको पता है, आप समझते हो कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, वो फेल हो गए उसके बारे में। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर कमेंट्स में बताना, एंड यू कैन ड्रॉप योर वीडियो आइडियाज़ जो चाहते हैं आपके मुझे बनानी चाहिए उस किस्म की वीडियोज़, डेफिनेटली टेल मी अबाउट दैट। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।